जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ठाकुर जी के श्रीमस्तक पे पगड़ी कैसे बांधनी है। बिल्कुल। और पगड़ी बांधने हमेशा दिक्कत आती है, सब बोलते हैं कि कैसे बांधे, हमसे बनती नहीं है। तो ये रहे हमारे लाल जी। लाल जी सेवा में नहीं है श्री विग्रह इनका, और हमने ये डिसाइड किया है कि आज हम ये वाली पोशाक बनाने वाले हैं। तो पोशाक को देख लें, पोशाक बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरा हाथ से कारीगरी करी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत काम किया हुआ है, तो इसकी कॉस्ट भी उसी के हिसाब से होगी। लेकिन वर्थ इट होगा अगर आप इसको लेंगे भी तो। एकदम कमल कली वाला श्रृंगार और पोशाक है ये, देखिए। उसके बाद में मैचिंग अलकावली आएगी, मैचिंग माला जी आ गई, चोकर आ गया, कड़े आ गए, कड़े में भी बहुत सारी वैरायटी आई है। तो ये डिसाइड किया है कि भाई आज हम ये वाला पोशाक पहनाने वाले हैं, दिवाली स्पेशल ये पोशाक आई है। तो सोचा कि इसी पे आपको सिखा देते हैं। लगाव ज़रूरी रहेगी हमेशा की तरह, लगाव काला होता है और काली लगाव अपन श्रीमस्तक पे यूज़ करते हैं। लाल जी देख ही लिए हैं आपने, और ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं पगड़ी बांधने के लिए। तो हम सबसे पहले पोशाक धरा देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके मैचिंग की कैसी पगड़ी बांधे। चलिए। देखिए कृष्ण भक्तों, ये हमने ठाकुर जी को पोशाक धरा दिए, अपन श्रीमस्तक का श्रृंगार करेंगे। बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे लाडले लाल। तो ये देखिए, ये लगाव है, इसको बत्ती बनानी है। इसको बत्ती बना के यहाँ लगाएंगे, और फिर जो भी अलकावली होगी उसको ऐसे सेट करना है। देखिए कृष्ण भक्तों, अब हम पगड़ी पहनाएंगे ठाकुर जी को। अब देख लें कौन सी पगड़ी पहनानी है। तो हम देखें कि ये कलर पे कौन सा मैच करेगा, ये वाला कलर और ये वाला कलर। बिल्कुल। तो ड्रेस के हिसाब से ये दो कलर पसंद किए हैं, तो एक ये उठा लेते हैं अपन और एक ये। बिल्कुल, हम एक ही से नहीं, हम दो से पगड़ी बनाएंगे। चलिए पगड़ी कैसे बनाने, देखिए मैच भी हो गया पोशाक के साथ। तो कृष्ण भक्तों, ये देखिए, जैसे हमेशा अपन देखेंगे ये जो लेंथ है वो दोनों की बराबर है, ठीक है, ये दोनों की लेंथ बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि एक जो है उसको आधा छोड़ देंगे और बाकी की दो हैं इसको दो कर लेंगे। जैसे इसको कर लिया अपन ने दो, इसको सिंगल है, तो हम यहाँ से बीच में से इसके नोट बांधेंगे। नोट बांधना आपको आता ही होगा, नोट बांध देते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे बांधनी है नोट। ये देखिए, नोट बांध दिया अपने। तो ये पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा निकल जाएगा और ये तीन ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे अपन चोटी बनाते हैं वैसे तीन ब्रेड्स हो जाएंगे। अब अपन इसकी चोटी निकालेंगे गूंथ के। ये देखिए, नॉर्मली हम जैसे चोटी बनाते हैं वैसे इसको, ये एक पैटर्न है और अलग अलग पैटर्न से भी बना सकते हैं आप, सिंगल से भी बना सकते हैं, सिंगल से भी पगड़ी में आपको बता दूंगी। ये अपन की हैवी ड्रेस है तो हैवी के हिसाब से थोड़ा हैवी लुक भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये वाला पैटर्न दिखा रही हूँ। बहुत ईजी है पगड़ी बांधना, सबको लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, नहीं। मैं डेली सेवा में यूज़ करती हूँ लाल जी के, मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ये पार्ट जो है, हालांकि और बराबर लेना था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया मैंने, और फिर अपन यहाँ से इसको बांध देंगे। तो देखिए कृष्ण भक्तों, फिर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। ये ले लिया अपन ने, यहाँ से शुरू करके ऐसे कानों को साथ में लेना है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको लगेगा, ये लिया, ये पीछे घूम के आया, फिर लेना है कानों के उधर से, ये देखो, फिर वापस इधर से ही लेना है, ये देखिए। ये जो अपन ने गूथा था वो आगे फ्रंट में आ गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत इजी था, सिंपल एंड सोबर ये पगड़ी अपन की देखो बन गई है, कितनी इजीली उसे बन गई। और हल्का सा जहाँ ढीला है वहां अपन थोड़ा सा लगाव लेंगे और लगाव से अपन सेट कर देंगे। बेफिक्र रहें, ये स्टॉकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, खराब नहीं होगी किसी भी लगाव से, किसी भी चीज से। ये देखिए कितने इजीली मैंने सबसे सिंपल सोबर और जल्दी से बनने वाली पगड़ी बताई है। और ये लटकन मैंने क्यों बोली थी इसका आपको आइडिया लग गया होगा। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। देखिए कृष्ण भक्तों, ये मेरे पास है किलंगी, और किलंगी को फिर हम ऐसे सेट कर देंगे।
30 त्यौहार के हिसाब से पोशाक का हैवी होना बनता है, वो ज़रूरी भी है। हैंडवर्क पोशाक है, कैनवस की कोई टेंशन नहीं है, ख़राब होने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा हाथ से कारीगरी की गई है। कृष्ण अब तो ये देखिए, सबका डाउट है, बड़े का तो आपने बता दिया, लेकिन छोटे का भी बताओ, छोटे का पहनाएंगे कैसे? क्यों नहीं पहना सकते? मेरे लाल जी का स्वरूप इतना ही है, और मेरे ठाकुर जी की पगड़ियाँ देखी होंगी, कितनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ धारण कर लेते हैं। तो चलिए, ये है एक नंबर के लाल जी हैं, उन पे ये पगड़ी पहनाएंगे कि कैसी लगती है। कृष्ण भक्त, तो ये हमारे लाल जी रहे, बहुत सूक्ष्म हैं। अब जो ये था, इसको हमने क्या किया, नॉट बांध लिया। देखिए पूरा लंबा था, मैंने नॉट बांध लिया ऐसे। अब ये नॉट आएगी कहाँ, यहाँ आएगी। हम वही सेम पैटर्न अपन करेंगे जो हमने किया है पहले भी। चाहें तो आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने डबल इसलिए किया है क्योंकि क्या है कि डबल शेड चाहिए मुझे। सिंगल शेड भी आप कर सकते हैं इजीली। देखिए इजीली पगड़ी बन गई लाल जी की, और यहाँ क्या करेंगे, हल्का सा लगाव लगा देंगे, और ये हो गई हमारी एडजस्ट। लगाव से सेट भी कर सकते हैं, और ये थोड़ा मैंने पीछे साइड में ढीला छोड़ दिया, तो ये देखिए ये आगे आ गया। तो देखिए कृष्ण भक्तों, ठाकुर जी ने कितनी आसानी से पगड़ी पहन ली है। कुछ भी नहीं करना है, बस छोर को पकड़ना है और बस उसको रोटेट कर देना है, बहुत इजीली पगड़ी बन जाएगी। मैंने इसमें डबल लिया है, आप सिंगल लेंगे तो सिंगल से भी परफेक्ट बन जाएगी। इतनी कृष्ण भक्तों, कितने आसानी से पगड़ी बांध दी। ये मैंने सिंगल से बांध दी है और ये मैंने डबल से बांध दी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये एक नंबर के लाल जी हैं, और ये रहे हमारे 7 नंबर के लाल जी। देख रहे हैं डिफरेंस, तो सेम वही चीज़ है, और प्रभु के इतनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। पगड़ी बांधना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और श्रृंगार करेंगे तो थोड़ा सा तो ठाकुर जी भी परेशान तो करेंगे, इतनी आसानी से कैसे सज जाएगा हमारा लाला। और देखिए, तो ऑर्डर कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।